स्वाभाविक रूप से जब आदरणीय गुरु जी पिछले वर्ष गए थे तो स्वाभाविक रूप से इस बार कांग्रेस के प्रतिनिधि को हम भेजने का की बात कहेंगे और बात करेंगे। गठबंधन में जुटाया होगा, हम समझते हैं मुख्यमंत्री जी संजीदा व्यक्ति हैं, समझते हैं कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसकी भूमिका क्या होनी चाहिए और राज्यसभा एक अहम जगह है, वहां अगर कोई कांग्रेस से जाता है, कांग्रेस की संख्या बढ़ती है तो निश्चित रूप से जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें हम कामयाब। देखिए, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, ना ही अब तक उन्होंने मुझसे ये इच्छा जताई है। हम जितना समझते हैं ये समझते हैं कि पहले ये गठबंधन में तय होगा, गठबंधन में तय होने के बाद हम तीन नाम भेजेंगे, उस पर क्या आलाकमान की सहमति मिलती है उस पर सारी चीजें निर्भर करती है। इसमें कहीं कोई जात कोई धर्म ये सारी चीजें आड़े नहीं आती है, किसको प्रेफरेंस देना है किसको नहीं देना है, बहुत सारे एंगल होते हैं देखने के। वो हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी तय करेंगे कि इसकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, वो देखना उनका काम है, हमारा काम है हम उन तक नाम पहुंचाने का। निश्चित रूप से जो लोग दावेदारी करेंगे जिनका आप सही का बनेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।